गाइस, वेलकम टू माय चैनल कवर ज्योति। और मैं अभी क्या कर रही हूँ देखो, मैं अपने लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी मेरी ऑनलाइन क्लास है 12 o'clock, तो उसके लिए मैं पहले प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद क्लासेस लगा के, आज 9th और 10th की क्लास है मेरी, तो आई एम प्रिपेयरिंग द लेक्चर फॉर दैट। और उसके बाद फिर मैं तैयार होके फिर आज मैंने जाना है अपने मम्मा के घर। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के घर, मैंने आपको बताया था ना पहले भी, तो आज वहाँ पे जाऊँगी। अभी मैं बस तैयार हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी गए हैं, वो आएंगे उसके बाद हम चलेंगे। वो कह रहे थे, वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो रहे थे, वो कह रहे थे कि मतलब जस्ट आप तैयार हो गए रहना, तो और मैं जैसे ही आऊँगा फिर हम चल पड़ेंगे। तो इसके बाद हम जैसे ही वो आते हैं तो उनको पानी वगैरह दे के चेंज वगैरह करके तो फिर हम जाएंगे। और मैं आपको आज अपने गांव लेके जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि कैसा मेरा गांव। और ये वाला सूट जो है वो मैंने पहना है, ये देखिए रेड कलर का है और उसके साथ वाइट पजामी है, और ये मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था चंबे से। बस अभी हस्बैंड आ चुके हैं और बस हम, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और बस चल रही हैं अभी मम्मा के घर के लिए। शाम के 7:15 होने वाले हैं, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचते हुए, तो बस हम जा रहे हैं। और ये जो है ना, ये खालसा कॉलेज है, ये अमृतसर का बहुत ही फेमस कॉलेज है और ये जो अंग्रेज़ों के टाइम का कॉलेज है और बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में, महल जैसा है ये कॉलेज। तो जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना तो ये कॉलेज दिखता है, हमारे घर के पास ही है। इसके साथ ही कॉलेज के साथ ही खालसा कॉलेज फॉर वुमेन है ये वाला, ये देखिए ये न्यू बना है, ये तब का नहीं है बना है, लेकिन पैटर्न वही रखा है इन्होंने। ये जो ब्रिज है, हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं और ये ब्रिज है यहाँ पे, तो मैंने ये अच्छा लग रहा था देखने में, वहाँ से आसमान जो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये चीज़ यहाँ से भी रिकॉर्ड कर लिया। ये थोड़ा सा हम ऊपर हैं फ्लाईओवर के और यहाँ से स्काई पूरा बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। ये वेरका मिल्क प्लांट है अमृतसर का, जो पैकेट्स में मिल्क आता है ना वेरका का, वो प्लांट है ये। और अभी देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है और आसमान कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, अंधेरा हो गया लेकिन लाइट दिख रही है। सास्रिकार। वीडियो बना दी है तू ही वेली। मना वापस लेता नहीं, पुराना ही है। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, अपनी मम्मा के घर। तो रास्ते में इतना अंधेरा था ना, तो मैं आपको चाह रही थी कुछ दिखाऊं लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो जस्ट खाना खाने के बाद आपसे बात कर रहे जो है ना, वो हंस रहा है कि मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि पहले उस नहीं ऐसे बोलती थी ना, तो वो हंस रहा है कि ऐसे बोल रही हूँ। इधर आ ओंकार, इधर आ। क्यों हंस रहे हो आप? बोलता ही मतलब अभी Thank you.
यहाँ पे मैं और मम्मा थोड़ी देर बैठ गए हैं बातें करने के लिए। मम्मा को भी होता है कि मेरी बेटी आएगी तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, मतलब मम्मा अकेले रहते हैं ना, मम्मा और भाई दोनों अकेले रहते हैं, तो मम्मी को होता है कि जब ये आएगी मुझे भी पूछते रहते हैं कई बार फ़ोन पे कब आना है तूने, कब आना है। तो जब भी मैं आती हूँ ना, मम्मा को यही होता है कि ये मेरे साथ बैठे बातें करे। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा सोना है सोना है। तो जुगराज तंग कर रहा था, कह रहा था कि मम्मा मैंने सोना है, नींद आई है। तो मैं फिर थोड़ी देर मम्मा के पास बैठ पाई, थोड़ी देर बैठ के फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको जुगराज को सुला देती हूँ। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। ओके बाय।